हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू यूजीसी नेट मेंटर। गाइस आज की इस वीडियो में हम एनालिसिस करेंगे लास्ट एग्जाम का, जो कि आज 4 सितंबर को हुआ है। फर्स्ट एंड सेकंड शिफ्ट दोनों का एनालिसिस करने वाले हैं। वैसे तो ऑफिशियली लास्ट डे है आज आपके एग्जाम का, जो कि हमारे एग्जाम शेड्यूल था उसके अकॉर्डिंग, बट एक एग्जाम साउथ इंडिया में नेचुरल कैलमिटी की वजह से वो कैंसिल कर दिया गया था, जिसको रिशेड्यूल करके 5 सितंबर को लिया जाना है। तो कल भी एक सिंपल एक सिंगल पर्टिकुलर सेंटर का एग्जाम है, बाकी सभी के जो एग्जाम है वो आज हो चुके हैं। तो आज आप सब लोग टेंशन फ्री हो चुके होंगे आई थिंक, बाकी आप रिजल्ट का वेट करना है आप सभी को। तो देखो गाइस आज हम एनालिसिस कर लेते हैं फटाफट से। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जो था बोथ शिफ्ट में इजी था, और दोनों का यही कहना है कि इजी क्वेश्चन होता था और वो इजीली हो गया था। डेटा इंटरप्रिटेशन जो है दोनों ही शिफ्ट में परसेंटेज बेस्ड डीआई बना है, और मॉर्निंग शिफ्ट में मॉडरेट लेवल का था, इवनिंग शिफ्ट में ईजी था, ऐसा स्टूडेंट्स का कहना है, और क्वेश्चन ईजिली बन गया था। इसके अलावा डिसीज पे क्वेश्चन बना है, वाटर बोर्न डिसीज आई थिंक इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा हुआ था। रिसर्च यूनिट से वैलिडिटी से रिलेटेड क्वेश्चन था, जिसमें ये पूछा गया था कि कौन सी जो आपकी स्टेटमेंट है वैलिड है नहीं है, इस तरह के कोई क्वेश्चन रहा होगा। नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग पे क्वेश्चन था। तो गाइस देखिए सैम्पलिंग की दो टेक्निक होती है, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग और नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। प्रोबेबिलिटी में आता है सिंपल रैंडम, सिस्टमेटिक सैम्पलिंग, स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग, क्लस्टर सैम्पलिंग, एरिया सैम्पलिंग और मल्टी स्टेज सैम्पलिंग। जबकि नॉन रैंडम सैम्पलिंग यानी कि नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में आती है जजमेंट सैम्पलिंग, कन्वीनियंस सैम्पलिंग, कोटा सैम्पलिंग, पैनल सैम्पलिंग और स्नोबॉल सैम्पलिंग। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा हुआ था नॉन प्रोबेबिलिटी वाले की मेथड से। इसके अलावा पैरामेट्रिक टेस्ट पे क्वेश्चन पूछा हुआ था कि बताइए पैरामेट्रिक टेस्ट कौन कौन से। तो गाइस देखिए पैरामेट्रिक और नॉन पैरामेट्रिक दो तरह के टेस्ट होते हैं। पैरामेट्रिक टेस्ट में टी टेस्ट हो गया आपका, अनपेयर टी टेस्ट हो गया, पियर्सन कोरिलेशन हो गया, वन वे एनालिसिस ऑफ वेरियंस हो गया। नॉन पैरामेट्रिक में विल्सन साइन रैंक टेस्ट हो गया, वैन मैन वाइटनी यू टेस्ट, स्पीयरमैन कोरिलेशन, क्रुसेल वर्लीज टेस्ट हो गया। तो इस तरह के जो टेस्ट है वो आपके नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट है। वैसे मैं आपको बता दूं पैरामेट्रिक टेस्ट और नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट मैंने बहुत ही ईजी वे में आप सभी को पढ़ा रखा है, कवर करवा रखा है। तो आपको नहीं पता इन टेस्ट के बारे में क्या होते हैं, कैसे इनको किया जाता है, आई मीन किस तरह से इनका यूज़ होता है, तो आप मेरी वीडियो देख सकते हो जिसमें मैंने हर तरह के जो टेस्ट उनको एक्सप्लेन किया हुआ है। इसके लिए आप सिंपली सर्च करिए, यूट्यूब पर सर्च करना है आपको। सिंपली क्या सर्च करना है, ये सर्च करना यूजीसी नेट मेंटर, आगे लिख देना टी टेस्ट, ये लिख करके सर्च करना बस। जैसे लिख करके सर्च करोगे तो वाली वीडियो आ जाएगी जिसमें मैंने आपको इन सभी टेस्ट के बारे में काफ़ी डिटेल में, आई मीन ईजी लैंग्वेज में विद एग्जाम्पल, क्योंकि एग्जाम्पल से चीज़ें अच्छे समझ में आती हैं, तो मैंने विद एग्जाम्पल चीज़ों को एक्सप्लेन किया हुआ है। सो मेक श्योर आप उस वीडियो को जरूर देखें। अगर आप अभी आपका एग्जाम, अभी तो खैर सारे एग्जाम हो गए हैं, बट अभी ये फ्यूचर में अगर आप चाहते हो कि इस टॉपिक को अच्छे से समझ लें, समझना चाहते हो, तो इस क्लास को देख सकते हो। क्वालिटेटिव रिसर्च भी क्वेश्चन था, रेफरेंसिंग स्टाइल और मीनिंग पूछी हुई थी, ET.ALCF.ENT. इस तरीके से जो आपके रिसर्च में यूज होते हैं ना शॉर्ट फॉर्म्स, उस पर क्वेश्चन था। मेलवेयर पे क्वेश्चन था, जिसमें वॉर्म ट्रोजन हॉर्स एंड रैंसमवेयर से रिलेटेड क्वेश्चन था। नंबर सिस्टम में बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्ट करके उसको अरेंज करना था सीक्वेंस वाइज। परमानेंट मेमोरी पे क्वेश्चन था, मोबाइल गेमिंग पे क्वेश्चन पूछा हुआ था, वर्चुअल रियलिटी से रिलेटेड। ऑनलाइन लेक्चर पे पोल कैसे क्रिएट कर सकते हैं, इस तरह से रिलेटेड भी क्वेश्चन था, यानी कि जो टूल्स हैं ऑनलाइन लर्निंग टूल्स या फिर टीचिंग टूल्स, इससे रिलेटेड क्वेश्चन था। इसके अलावा ईमेल से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा हुआ था, स्क्वायर प्रोपोजिशन, अगेन काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक रहा है इस बार, लॉजिकल इक्विवेलेंट एंड कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड क्वेश्चन मॉर्निंग शिफ्ट में पूछा गया था। और इसके अलावा मॉर्निंग में टाइम एंड वर्क से रिलेटेड भी क्वेश्चन देखने को मिला है, डिस्काउंट के ऊपर भी क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिला है। तो ये आपकी मॉर्निंग शिफ्ट रही थी। अगर हम बात करें इवनिंग शिफ्ट की, तो इसमें किस तरह के क्वेश्चन बने हैं, इसमें आप देखेंगे स्वयं प्रभा चैनल पे क्वेश्चन पूछा हुआ था। तो स्वयं प्रभा के जितने भी चैनल हैं उनको याद कर लीजिए, बिकॉज ये अपकमिंग जब आपका एग्जाम होगा नेक्स्ट सेशन में, तो उसके लिए भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। क्वालिटेटिव रिसर्च, इसके अलावा स्पीड पे क्वेश्चन था, टाइम एंड वर्क पे क्वेश्चन था, नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट इसमें भी पूछा गया, और मॉर्निंग शिफ्ट में भी आपका नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट पूछा गया था। तो ये जो टेस्ट है नॉन पैरामेट्रिक और नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट, ये स्टार्टिंग की शिफ्ट में तो नहीं था, बट अभी जो एंड में एग्जाम हो रहे हैं इसमें ये टेस्ट डाल दिए गए हैं और ये आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। अभी एक नया फॉर्म ऑफ क्वेश्चन देखने को मिला है, जो कि अलग अलग मल्टीपल शिफ्ट में एग्जाम मिला है, ये था फिल इन द ब्लैंक्स। आपको एक स्टेटमेंट गिवन होती है और इस स्टेटमेंट में कुछ वर्ड्स मिसिंग होते हैं, और उन वर्ड्स को आपको फिर ऑप्शन में गिवन होते हैं, उन वर्ड्स को वहाँ से देख देख के फिल करना होता है और फिर बताना पड़ता है कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो ये जो है ICT से रिलेटेड क्वेश्चन ज़्यादातर बन रहे हैं इस फॉर्म के जो क्वेश्चन है, इसको हम सिंपली फिल इन द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चन कह सकते हैं। इसके अलावा गाइस डेसिमल कन्वर्जन पे क्वेश्चन पूछा हुआ था आपके एग्जाम में, बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्ट करना और डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट करना, यही एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि देखो कन्वर्जन तो और भी होते हैं बट मोस्ट ऑफ द टाइम इसी कन्वर्जन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है, और मैंने कन्वर्जन आपको सिखाया हुआ है डेसिमल से बाइनरी, बाइनरी से डेसिमल। अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो देख लेना, सिंपली यूट्यूब पर सर्च करिए यूजीसी नेट मेंटर और आगे लिख देना डेसिमल।
ऐसे लिख करके सर्च करोगे तो ये वाली वीडियो आ जाएगी जिसमें मैंने कन्वर्जन आपको सिखाया हुआ है। सो आप इस वीडियो लेक्चर को भी एग्जाम के लिए आई मीन देख सकते हो फ्यूचर में आप देना चाहते हो तो। BIOS दैट इज बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम के ऊपर क्वेश्चन था। HTTP दैट इज हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, और इससे मैचिंग से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा था कि किस तरीके से किसका यूज होता है। तो इस तरह के क्वेश्चन भी एग्जाम में देखने को मिले हैं। लॉजिकल इक्विवेलेंट मॉर्निंग में भी था, इवनिंग में भी था। क्लासिकल स्क्वायर प्रोपोजिशन आप देखिए मॉर्निंग में भी था, इवनिंग में भी था। तो कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो कि एवरग्रीन टाइप है, जिसमें आप देखेंगे किसी भी डे किसी भी दिन देखेंगे उस तरह उस टॉप इन टॉपिक पे क्वेश्चन आपको देखने को मिल ही जाता है ना। इसके अलावा आप देखेंगे यूनिवर्सिटी स्टैब्लिशमेंट पे क्वेश्चन था, तो एक ये टॉपिक भी आपको अपकमिंग सेशन के लिए अच्छे से पढ़ना है, और उस टॉपिक को मैं भी आपको अच्छे से पढ़ाऊंगा। इसमें मैं आपको अब जो अपकमिंग जो क्लासे रहेंगी मेरी, मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ इस टॉपिक को कि यूनिवर्सिटी जो है कौन कौन सी यूनिवर्सिटी कब कब इस्टेब्लिश हुई है। तो ये ना सिर्फ एंशियंट यूनिवर्सिटी बल्कि जो हमारी मॉडर्न यूनिवर्सिटी जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी है, इसके अलावा BHU है, ये भी पुरानी यूनिवर्सिटी है बट ये एंशियंट यूनिवर्सिटी नहीं है। तो इनकी भी हम डेट याद करेंगे, ईयर मैं आपको बताऊंगा समझाऊंगा इनके बारे में भी, ताकि अगर फ्यूचर में इस तरह के क्वेश्चन बने तो आप उसका आंसर कर पाएं। कोडिंग डिकोडिंग हो गया, पॉल्यूशन से रिलेटेड क्वेश्चन था। ग्रीन हाउस गैसेज में आप सभी को पता है कि ग्रीन हाउस गैसेज में क्योटो प्रोटोकॉल के अंदर 7 गैसेज लिस्टेड हैं, तो उन 7 गैसेज के आप नाम याद कर लीजिए फ्यूचर में भी, मैं अगर आप एग्जाम देना चाहते हो तो इंपॉर्टेंट है आपके लिए। मास मीडिया पे क्वेश्चन था, रिसर्च स्टेप्स पे क्वेश्चन पूछा हुआ था। तो जो रिसर्च स्टेप्स इसकी क्रोनोलॉजी पूछी हुई थी कि जब आप रिसर्च करते हो तो सबसे नंबर 1 स्टेप कौन सा होता है, सेकेंड हो गया, थर्ड हो गया, फोर्थ हो गया। तो जो रिसर्च की क्रोनोलॉजी है स्टेप्स की, इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी एग्जाम में देखने को मिला है। इंडियन लॉजिक पे क्वेश्चन पूछा गया था इवनिंग शिफ्ट में। ऑरल जो पेपर था वो मॉडरेट से टफ था, ईजी पेपर नहीं था ऐसा है स्टूडेंट्स का कहना है। मॉडरेट थे कुछ क्वेश्चन टफ लेवल के थे। तो अब जो पेपर है इस तरीके का बन रहा है, और काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का फीडबैक निकल के आ रहा है कि मॉडरेट से टफ था। अगर आप लोग मेरी बात से सहमत है कि मॉडरेट से टफ था, तो आप भी कमेंट करके बता सकते हैं कि अगर आपने एग्जाम दिया था कि पेपर का टफनेस लेवल कैसा था, इजी था या मॉडरेट था या टफ लेवल का था। इसके अलावा गाइस देखिए अब तो एग्जाम हो चुका है, तो आपको आप तो जैसा भी एग्जाम गया कोई बात नहीं, क्या कर सकते हैं। और एग्जाम अच्छा गया है दैट इज़ वेल एंड गुड, और आप एग्जाम अच्छा नहीं गया तो आप वो अभी से प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर सकते हो। आप विनर बैच ज्वाइन कर सकते हो, विनर बैच 3.0 हमने लॉन्च किया दिसंबर 2024 एग्जाम के लिए। इसमें आपको एग्जाम टारगेटेड कंप्लीट कंटेंट मिल जाएगा, पेपर 1 कॉमर्स मैनेजमेंट एंड पॉलिटिकल साइंस का। यहाँ पे कंप्लीट 10 यूनिट से आपको वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे इंग्लिश प्लस हिंदी मीडियम मिक्स करके। इसके अलावा आपको 100 मॉक टेस्ट मिलेंगे प्रैक्टिस करने के लिए, और इसके अलावा PDF नोट्स मिलेंगे जिसके थ्रू आप मल्टीपल टाइम रिवीजन एंड प्रैक्टिस कर पाएंगे। तो सिंपल सा प्रोसेस है, अगर आप अभी इनरोल करते हो तो आपको फ्लैट 10% का डिस्काउंट ऑफर भी देखने को मिल जाएगा। तो फ्लैट 10 कूपन कोड अप्लाई करिए और अपना डिस्काउंट जो है वो अवेल कर लीजिए। सो सिंपली करना है कि आपको गूगल प्ले स्टोर से एग्जाम मेंटर ऐप इंस्टॉल करनी है। अगर आप IAS यूजर है तो उसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कमेंट बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। सो थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो विद ऑल नेट एस्पिरेंट्स। गाइज मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन कीप वॉचिंग UGC नेट मेंटर। थैंक यू सो मच।